जब जंगल में महुआ ही ना मिले तो शराब की तलब बुझाने बंदर को शहर का रुख करना ही होगा। यही कुछ हुआ मंडला के बमनी बंजर में, जहां जबरन एक बंदर दुकान में घुसा और अपनी पसंद की शराब पीने लगा। अचानक एक बंदर आया और उसने लाइन में लगने की बजाय सीधे ठेके के भीतर जाकर कब्जा कर लिया। दुकानदार इस बंदर को बिस्किट या दूसरी चीजें देकर बहलाने की कोशिश करते रहे, लेकिन बंदर तो जैसे अपनी पसंद की ब्रांड खोज रहा था। जो मिली उसे बिना देर किए ढक्कन खोलकर बंदर बिना पानी के ही शराब के मजे लेने लगा और यहाँ वहाँ गिरी शराब को भी जाया ना होने दिया, बल्कि उसे भी चाट चाट कर पी गया। लोगों और दुकानदार ने इस बंदर से पंगा ना लेना ही बेहतर समझा और उसे मनमर्जी करने की पूरी आजादी दे दी। भला जंगली शराबी से भिड़ने की हिम्मत भी कौन करता। कुल मिलाकर यह वाकया लंबा चला और जब तक बंदर की तलब ना बुझी, बंदर ने वहां से जाने का नाम ही नहीं लिया। भैया जी, जे है के बंदर आया, वो डायरेक्ट दुकान के अंदर गया, उसने पैसे निकाले सिक्के दस दस पाँच पाँच के। हम लोग बिस्किट लाए, समोसे लाए, चने लाए, फूटा लाए, सब कुछ लाए, उसने कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं खाया उसने। इसके बाद में उसने एक वो कौन सा क्वार्टर है, जीनियस का एक क्वार्टर खोला, वो पिया, फिर एक जीनियस का फिर खोला, और एक बाद फिर गोबा खोला, तीनों क्वार्टर पी चुका वो। इसके बाद फिर क्या बोलते उसको, अरे क्या बोलते भाई साहब को काट रहा, हम बाजू में बैठ रहे, हमको कुछ नहीं बोला, हम बाजू में बिस्कुट खिलवा रहे थे, बाजू में बैठ के बिस्कुट खिलवा रहे थे, वो कुछ नहीं बोला हमको। लोग बाजू में हमसे हाथ में मिलाया, सब कुछ किया हम। कितनी बोतल पी? तीन क्वार्टर पिया। रास्ते से गुजर रहा था तो वहाँ पे शराब दुकान, अंग्रेजी शराब दुकान के बाहर बहुत ज़्यादा हुजूम लगा हुआ था, तो मैं भी वहाँ पे रुका। मैंने देखा कि आखिर क्या कारण यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ क्यों लगी है। जब मैं वहाँ पे रुक के देखा तो एक बंदर वहाँ पे काउंटर पे बैठा हुआ था और पहले तो चिप्स वगैरह उसको दिए, बिस्किट वगैरह तो उसने खाया नहीं, चिप्स वगैरह खाया उसने, और उसके बाद फिर एक एक बोतल को चाटना चालू कर दिया जो खाली बोतलें रखी थी, और उसके बाद फिर वहाँ से वो आगे बढ़ा। जैसे ही बोतल, नई बोतल, फ्रेश बोतल उठाने की कोशिश किए थे कर्मचारी ने उसको रोकने की कोशिश की, तो कर्मचारी को उसने काट लिया, और जैसे ही बंदर ने हमला किया तो ये वहाँ कर्मचारी अपनी दुकान छोड़ के भाग गए, और फिर वहाँ पे अपने पसंद की बोतल निकाल कर ये बढ़िया टेबल पे बैठ के उसने बढ़िया अपने दांतों से बोतल की पहले उसने सील तोड़ी, फिर उसके बाद सिप बाय सिप वो शराब पीना चालू कर दिया। तो ये एक अनोखी चीज़ थी जो मैं भी पहली बार देखा कि बंदर भी शराब पीता है। दूसरी तरफ इस शराबी बंदर को देखकर लोग खूब चटकारे लेते रहे और हंस हंस कर लोटपोट हो गए। कुछ लोगों ने शराबी बंदर का वीडियो बना लिया और उसे वायरल कर दिया।